हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट। द वैल्यूज ऑफ वी नॉट, ये वाला वी नॉट, एंड आई डी, मतलब इसमें जो कंट्रोल कर रही है नेटवर्क आर, ये चार चौथे रखी है, फिगर बना रखा है। देखो, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्टार्ट कंडक्टिंग 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, ये हमें डाटा गिवन था। यहाँ पे वही डाटा यहाँ यूज करना है हमें, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट है और इसका 0.3 वोल्ट है, ये पोटेंशियल बैरियर होता है। जान तो पोटेंशियल बैरियर क्या करता है पीएन जंक्शन डायोड में, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये रहा। पोटेंशियल बैरियर का काम होता है जो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं उनको जंक्शन के टूवर्ड्स जाने से स्टॉप करना, रोकता है। ये बात पहले ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, पहले बताओ ये पी टाइप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड और ये वाला पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसेस में या रिवर्स बायसेस में, दोनों, तो कैसे चेक करें? देखो, पी टाइप ये 12 वोल्ट से और ये 0 वोल्ट से, यानी तो फॉरवर्ड बायसिंग जब चेक करते हैं तो एक पी टाइप और ये एन टाइप, हम कहते हैं कि पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जानते हो पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं, दैट मीन्स पी टाइप हाई पोटेंशियल से, और नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल बोलते हैं, दैट मीन्स एल एन टाइप लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो। तो इस वाली कंडीशन को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। तो देखो, इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है प्लस के, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। इधर से देखो 0 वोल्ट है ना, तो ये इधर हाई है और इधर लो है। तो आपको नहीं लगता ये दोनों ही सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बायसेस में कनेक्टेड है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। भाई 12 वोल्ट में और 0 वोल्ट में, 12 वोल्ट हाई पोटेंशियल और 0 वोल्ट लो पोटेंशियल, तो ये भी फॉरवर्ड बायसेस में है और ये भी फॉरवर्ड बायसेस में है, पहली बात। दूसरी बात, जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज होता है ना वो पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट होता है, दैट मीन्स पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड जाने से रोकता है, जबकि जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज लगाते हैं वो पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है। ये जो जो पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज है, ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग वाला वोल्टेज, ये मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड्स फ्लो कराता है और पोटेंशियल बैरियर अपोज करता है, रोकता है, मेजर चार्जर को जंक्शन के टूवर्ड जाने नहीं देता। तो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, कौन? फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज और पोटेंशियल बैरियर, ये बात समझ में आनी चाहिए पहले। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब है कि ये प्लस के 12 वोल्ट है और ये जो पोटेंशियल बैरियर लगेगा इसका वो ऐसे लगेगा, ये 0.7 वोल्ट, ऐसे बैटरी बनेगी, ये प्लस और ये माइनस, और इसकी भी ऐसी बनेगी, ये 0.3 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस है ऐसे। ऐसे मैंने क्यों लगाया ये भी समझाता हूँ, 0.6 किलो ओम, किलो ओम में ये ध्यान रखना, और यहाँ अर्थिंग है 0 वोल्ट, है ना। तो देखो, ये वाली बैटरी हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, ये फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट का, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का। तो ये जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है वो करंट फ्लो कराना चाहता है ऐसे, और जो ये पोटेंशियल बैरियर है इस करंट का, बैटरी तो चाहती है कि करंट जो बैट जो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है वो 12 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे ऐसे समझो, ये प्लस के 12 वोल्ट है और ये वाला जो नेगेटिव वाला है ये 0 वोल्ट है, तो ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 12 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू हो गई बैटरी की 12 वोल्ट हो गई, है ना। तो ये वाली जो बैटरी है ये तो चाहती करंट ऐसे फ्लो कराना, और जो पोटेंशियल बैरियर है वो ऐसे चाहता है अपोजिट इसके, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज की बैटरी का अगेंस्ट होता है, अपोज करता है। तो ये करंट फ्लो कराना चाहेगा ऐसे और ये करंट कराना चाहेगा ऐसे, नहीं समझ में आया? आया ना। इसीलिए ये 12 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, तो जब यहां आएंगे इस जगह पर आएंगे, इस जगह पर और इस जगह पर आएंगे, तो यहां से यहां आ रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, पॉइंट
ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कितना घट गया, 0.7 वोल्ट घट गया, तो 12 में से 0.7 घटा दूं कितना बचा, यहां पे आया 11.3 वोल्ट। फिर जब ये प्लस ही फिर माइनस, फिर यहां से फिर अगेन यहां आई, तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, या ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फिर घटा, तो कितना घटा, 0.3 वोल्ट, तो कितना रह गया, 11 वोल्ट। और इस वाले पॉइंट का तो पोटेंशियल वी नॉट ही तो है, यही तो वी नॉट हो गया, या फिर किरचॉफ्स लॉ से कर लो, ये इस वाले पॉइंट को ए मान लो और यहां से शुरू करो और इस वाले पॉइंट को बी मान लो, तो ए से शुरू करो तो ए से शुरू कर रखेंगे तो ए का पोटेंशियल 12 है, ए वी ए, और यहां से जब हम यहां आ रहे हैं तो हाई से लो आ रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस 0.7 वोल्ट घट गया। फिर हम यहां से यहां आ रहे हैं तो हाई से लो आ रहे हैं तो फिर पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस के 0.3 वोल्ट हो गया। बी पॉइंट पर पहुंच गए तो पोटेंशियल कितना हो गया, वी बी, ऐसे है ना। तो यहां पे ये 12 वोल्ट रखा है और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 वोल्ट इक्वल टू वी बी, और वी बी कितना माना है मैंने, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी नॉट है, तो ये वी नॉट हो गया और ये 11 वोल्ट आ गया, तो आ गया ना 11 वोल्ट, तो बी नॉट की वैल्यू तो 11 वोल्ट हो गई, सब में देखें तो 11 वोल्ट केवल इसमें ही है ना, करने की जरूरत तो नहीं है। फिर भी करंट बता देता हूँ कितनी करंट कैसे निकाली। अब देखो इसका इसके बीच में, इसे सी पॉइंट मान लें, बी और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी जो देख रहे हो, तो इसका पोटेंशियल है 11 वोल्ट और इसका है 0, इसलिए 11 माइनस के 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 11 वोल्ट, ऐसे ले सकते हो बी और सी के बीच में, तो बी वी माइनस बी सी, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बी और सी के बिटवीन लगा है 5.6 लो, तो ये इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5.6 किलो ओम के अक्रॉस भी इतना ही वोल्टेज हो गया। और V बराबर IR होता है तो इसमें करंट पूछ रहा है, तो I इंटू आर दे रखा है 5.6 और 10 की पावर 3, किलो ओम को ओम में चेंज कर लिए, इक्वल टू 11 वोल्ट। तो यहां से करंट निकालें तो 11 डिवाइड बाई 5.6 और 10 की पावर 3, इसको ले सकते हैं 11 डिवाइडेड बाई 5.6, ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -3। अब इसको हटा लें, जीरो कर लें, 56 का डिवाइड कर लो आप 1 1 10 में, ठीक है, डिवाइड करिए तो पहली बार दो बार जा रहा है, नहीं एक बार जा रहा है, देखो ये 56 हो गया, यहाँ से 10 में से 6 गए तो ये बचे 4 और यहाँ बचे ये 5, 54 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे इधर, 540 हो गया, कितनी बार चला जाएगा, 10 बार करेंगे तो 56 आएगा, 560 मतलब 9 बार करीब करीब चला जाएगा, 9 बार और करें तो 9 से गया ये 4 और 9 5 45 और 5 50, 504 हो जाएगा, और यहाँ से ये 36 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा लें, अब कितना चला जाएगा, 6 5 30, 6 बार चला जाएगा शायद, हाँ 36 3 कैरी और 33 इतना आ जाएगा। चलो अब इतना ही ठीक है, दो डिजिट तक देख लेते हैं, 1.96 और 10 की पावर -3 एम्पियर, और इसे ले सकते हैं मिली एम्पियर, तो 1.96 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, इसका आंसर हो गया डी, चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।